और तुलसीदास रत्नावली को बहुत चाहती थी। जब एक दूजे साथ में लेटा करते थे तो तुलसीदास रत्नावली की उंगली अपने मुंह में दबा लेते थे, तब लेटा करते थे। उतनी रात चल पड़े ससुराल के लिए। रास्ता में नदी मिली। विद्वानों को तो यहां तक मत है कि मुर्दा को पकड़ के बाहर निकल गए। चारा और महलों में घूम रहे हैं, कहीं दरवाजा ही नहीं खुला। शर्म को पकड़ करके ऊपर चढ़ गए। रत्नावली सो रही थी, रत्नावली सो रही थी और तुलसीदास गए और तुलसीदास ने रत्नावली को जगाया। और जो रत्नावली की आंख खुली और कहने लगी पिया तुम, कहने लगे हाँ तुम बिना पूछे बताए चली आई। जब हम घर में पहुंचे तुम मुझे दिखाई नहीं पड़ी तो घर में खाई ली भी खुद। रत्नावली बैठ गई और तुलसीदास से गाल में सार से तमाचा दिया, तमाचा दिया और कहने लगी पिया इतना हमसे स्नेह करते, अगर इतना स्नेह उस प्रभु से करते। और क्या बोली कि रजनी भाई और तारे छूटते नहीं, क्या मीठा जवाब दिया, रजनी भाई और तारे छूटते बता क्या मीठा जवाब दिया। और राजनी भाई अब क्या बोली रत्नावली क्यों आए पलमू अंधेरिया में, क्यों आए हो पलमू अंधेरिया में, क्यों आए रात में क्यों आए। बहुत दिन मिले हुए नदी नवारे, बहुत मिले हुए नदी नवारे, बहुत दिन मिले हुए नदी नवारे, बहुत मिले हुए नदी नवारे। कह रही आपत में हुए प्राण तुम्हारे, आपत में होंगे प्राण तुम्हारे, मर जाते तुम पिया हमारे, मर जाते तुम पिया हमारे, दुख पाते बारी उमरिया में, क्यों आए ऊपर चढ़ आए, महलों के चारों ओर घुमाई और सर को पकड़ के तुम चढ़ाए। लेकिन तुम दसले तो ना गयो मिलिया में, क्यों आए, क्यों आए हो पलम अंधेरिया में, क्यों आए, क्यों आए पलम अंधेरिया में, क्यों आए, और कहने लगे
लगी पिया कितना प्रेम करो तुम हमसे मीठा जवाब दिया, कितना मीठा जवाब दिया कि रजनी भाई और तारे छुटक रहे और ऐसे का भारी मुंह में लाल तो लटक रहे और पहले हर नाम पिया काय को भटक रहे। दिमाग रखना भगवत प्रेमियों, सच हमेशा अजर अमर रहा है और रहेगा। और